पहले तो हमारे तमाम भोजपुरी समाज को मैं निर्देशक रुस्तम अली की तरफ से नमस्कार और ईद के हाल ही फिलहाल में कल बीता है बकरीद, उसका भी ढेर सारा शुभकामना। और मैं बता दूं कि आज हम लोग शूट कर रहे हैं अपने ही क्षेत्र बिसामरापुर आरएम पब्लिक स्कूल के पास और वहीं पर स्टे भी किए हैं। और हमारे बड़े भैया सर विकास सिंह जी जो आरएम पब्लिक स्कूल के निर्देशक हैं, तो हमारी मुलाकात थोड़ा सा गुफ्तगु कर देता हूँ सर के बारे में कुछ बोलने से पहले कि हमारी मुलाकात सर से फ़ोन के थ्रू और ऐसे एक दूसरे का हम लोग वर्षों से जानते हैं। हम जब सिनेमा को लेकर यहाँ पहुँचे तो उससे पहले मैंने सर से बात नहीं हुई थी हमारी कि हमारा बस सर से रबली बात हुई थी कि हाँ एक प्रोजेक्ट है सर आऊँगा तो आपसे मिलूँगा। जब हम यहाँ पहुँचे लोकेशन दूसरी जगह था मेरा देखे, उसके बाद से क्या हुआ कि थोड़ा सा सिस्टम मेरा हिल गया, सिस्टम मिल गया कि मुझे लगा कि नहीं कर पाऊँगा, अभी टाइम सही नहीं है सिनेमा के लिए। तो प्लस पॉइंट मेरे लिए ये हुआ कि विकास भैया कॉल आया कि कल सुबह मिलने आता हूँ, तो मिलने आए सर और बेकर एक शब्द मुझे बोले हुए मेरे चेहरे को पढ़ के बोले कि आप आज मेरे साथ चलिए। अरे जब मैं आया तो समझे कि मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज ये हुआ कि उन्होंने बोला कि ठीक है ये चीज है, चलो भैया मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगा एक गांव के नाते भाई के नाते। और ये सबसे अच्छी बात है कि आप इस क्षेत्र में कर रहे हो तो बाकी तो सर है ही। नमस्कार आप सभी को, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे भोजपुरी समाज को नमस्कार करना चाहता हूँ। कल इस बकरीद के मौके पर सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ तक इस फिल्म से जुड़ने की बात है तो मेरे छोटे भाई इसके निर्देशक हैं और मेरे समाज मेरे जिले के लिए बहुत गौरव की बात है कि इतना उम्दा तरीके से अपना काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी फिल्म बना रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, कहीं से भी इनका जिस रूप में भी हो सके थोड़ा बहुत मैं मदद कर रहा हूँ। और जहाँ तक इतने पिछले 20-25 दिनों में इनके साथ फिल्म के बारे में जो कुछ भी जाना हो, भोजपुरी फिल्म के बारे में जो लोग उंगलियां उठा रहे थे कि अश्लीलता ज्यादा होता है, साफ सुथरी मूवी नहीं होती, ये परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, एक बार आग्रह है कि इस फिल्म को पूरे परिवार के साथ जाके देखें। आपको कहीं पे भी एक सीन में भी ऐसा आपको फील नहीं होगा कि आप अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत साफ सुथरी फिल्म है, मनोरंजक फिल्म है। आजकल सब लोग अपने व्यस्त लाइफ से परेशान रहते हैं, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए, सब लोग हंसना चाहते हैं लेकिन हंस नहीं पाते, वैसे लोगों के लिए फिल्म है। युवा समाज के लिए है, युवाओं के लिए फिल्म है, युवाओं को कनेक्ट करेगी। तो बहुत ही अच्छी कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के स्टार कास्ट को देख के तो मैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शौक था, इतने बड़े स्टार कास्ट के साथ ही मूवी बनी है, बड़े बड़े स्टार लोग हैं, लोता तिवारी जी थे, आर के गोस्वामी से मिला, आनंद मोहन जी, आदित्य मोहन जी जिसके हीरो हैं, कनक यादव जी हैं, कृति मौर्य, सुमित चंद्रवंशी है, राजू रसिया है, सलोनी मिश्रा है, सबको देख के लगा आज तो ये भी ओम प्रकाश भट्ट भी इसमें शामिल हो रहा है, सीपी भट्ट बहुत अच्छी फिल्म बन रही है और ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। एक हमारा टीम है और एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इससे देख के लग रहा है कि मूवी कितनी अच्छी बनने वाली। जिस भी कलाकार से मैं बात कर रहा हूँ तो ये बोल रहा है कि हमारे लाइफ की सबसे अच्छी मूवी बन रही, इतना अच्छे ये पर्दे पे आ रहा है। तो मैं पूरे यूनिट को बहुत, ये आपका सहयोग है और आपने जो कॉन्सेप्ट मेरा है उस कॉन्सेप्ट के अनुकूल मैं बता दूं कि अगर मैं सडनली बोलता हूँ भैया ये लोकेशन के मुझे परमिशन, तो एक फोन में वो चीजें होता है। कल आप गए थे हमारे साथ जो हमारे प्यारे हैं हमारे फिल्म के रामचंद्र भाई, वो भी सेट पर आए थे और उन्होंने हम देखे और तज्जुब में पड़ गए यार, वाकई में क्लाइमेक्स के लाए, क्या लोकेशन चूज किए हैं, काफी तारीफ वो भी किए। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मेरे जिले गोपालगंज जिले की जो खूबसूरती है, जो यहाँ कल्चर है, यहाँ जो हेरिटेज है, वो पूरे भोजपुरिया समाज को देखने को मिले, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे मैं रहता हूँ, जिस जिले से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ के बारे में लोगों को पता चले, इससे बड़ी बात मेरे लिए नहीं हो सकती है।
और रुस्तम जी इसको बखूबी पर्दे पे लाना चाह रहे हैं और लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमको पूरा विश्वास है कि इसमें बहुत अच्छे से सफल होंगे। पूरी यूनिट को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आशीर्वाद बना रहे हैं। आप लोग ऐसे ही अच्छे से मेहनत कीजिए, जिस तरह से भी जब भी मेरे सहयोग की जरूरत पड़ेगी आप लोगों के साथ में खड़ा रहूंगा। सर आपने अपना कॉलेज अपना हॉस्टल भी इनको दे दिया शूटिंग के लिए, पूरा पूरी यूनिट यहाँ रुकी हुई है। मैं चाहता था कि एक अच्छी मूवी बने। क्या होता है कि जब भी आप एक शुरुआत करते हैं तो एक बजट, बहुत अच्छी बजट की जरूरत होती है। उसका ज्यादा से ज्यादा पार्ट आपका रहने में खाने में सब चीजों में खर्च हो जाती है, गाड़ी का रेंट देने में। तो मैं सोचा कि मेरे पास सब कुछ उपलब्ध है, क्यों नहीं इस तरह से इनकी मदद की जाए कि वो सब जितना पैसा हो ये फिल्म में लगाए और एक बहुत बढ़िया फिल्म बनाए। तो इसी तरह से मेरा सहयोग है और अच्छी बात है। इस तरह से कॉलेज का सीन है तो स्कूल में बहुत सारे दो तीन दिन का भी छुट्टी स्कूल में भी हो रहा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। कॉलेज का सीन आज चल रहा है, आप देखेंगे नीचे की प्रॉपर स्टूडेंट आए हुए हैं, प्रॉपर टीचर, हर कास्टिंग मेरा प्रॉपर ढंग से हुआ है कि कोई भी कास्टिंग ऐसा नहीं है कि किसी को उठा के हम कर लिए। ये सिनेमा में एक एक चीजें पर नोट, एक एक सीन पर हमने काम किया, एक एक सब पर काम किया कि ऐसा ना लगे कि फिल्म में कोई बोले जा रहे, हर कोई बोल देता है ना कि मैं साफ सुथरे सिनेमा बनाता हूँ, साफ सुथरे फिल्म बनाता हूँ, लेकिन देखने जाइए तो हम यहाँ तक के एक गाने के भी शूटिंग देखेंगे तो उसमें भी सारा मर्यादा को अपने दिमाग में रखते हुए शूट कर रहा हूँ कि कभी कोई अश्लील शब्द ना आए, अश्लील सीन ना आए, ये सारा चीज, ताकि हम ये देखते हैं कि अक्सर क्या होता है ना भोजपुरी सिनेमा में कि शब्दों के वजह से लोग कॉमेडी समझते हैं कि उल्टा सीधा बोल देना, किसी लड़की को छेड़ देना, तो उस चीज को, लेकिन मेरे सिनेमा में ऐसा कुछ नहीं। मेरे सिनेमा में सीन ही कॉमेडी है, सिचुएशनल जिसे कॉमेडी बोलते हैं वो, मेरे शब्द से कॉमेडी नहीं बन रहा, ऐसा सिचुएशन मेरा सीन में क्रिएट हुआ है कि आपको खुद ब खुद लगेगा कि क्या बात है। मैं दर्शकों से ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे सिनेमा को प्रोत्साहित करें, इससे फिल्म का स्तर बढ़ेगा। जब अच्छे सिनेमा को हम लोग देखने जाएंगे तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी अच्छी मूवी बनाएंगे। कहीं ना कहीं अश्लीलता भोजपुरी फिल्म में इसको बढ़ावा देना है भी दर्शकों का ही काम है, क्योंकि दर्शक वैसे पसंद करना शुरू कर दिए, इसीलिए सब लोग ऐसे फिल्म बनाने लगे। हम लोग ऐसे फिल्म को नकारें और जो अच्छी साफ सुथरी मूवी बन रही है उसको हम लोग देखें और भोजपुरी सिनेमा को बहुत आगे ले जाएं, यही मेरी इच्छा है। और मैं, मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी भोजपुरी सिनेमा में काम करने वाले एक ही कार्य पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।